जब हम भरोसा करते हैं तो सिर्फ यकीन ही टूटता है, लेकिन जब हम शक करते हैं तो रिश्ता ही टूट जाता है। एक बहुत बड़ा जंगल था और उसी जंगल में एक चिड़ा और चिड़िया रहा करते थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन चिड़िया कभी कभी किसी बात को लेकर चिड़ा से झगड़ा किया करती थी। वह हमेशा उसे झगड़ती रहती थी। उसके मन में बहुत सारे विचार आते थे और वह उस पर शक किया करती थी। एक दिन की बात है, वे दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए थे। पेड़ पर बैठे हुए किसी बात को लेकर झगड़ने लगे। चिड़िया ने चिड़ा से कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। चिड़िया ने भी गुस्से में उसे कह दिया, तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती, तुम हमेशा मुझसे झगड़ा किया करती हो। दोनों में खूब झगड़ा हुआ और अंत में परिणाम यह आया कि चिड़िया ने चिड़े से एक शर्त लगाई। चिड़िया ने कहा, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन एक शर्त है। कल सुबह इस पेड़ पर जो सबसे पहले पहुंचेगा, मान लिया जाएगा कि वही सबसे ज्यादा प्यार करता है। चिड़िया ने भी कह दिया, ठीक है। दोनों ने बात मान ली और फिर चिड़िया अपने घर चली गई। चिड़िया वहीं रुक गया। उस समय सर्दी का मौसम था और बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। हवाएं भी तेज चल रही थी। चिड़िया ने सोचा कि मैं घर क्यों जाऊँ, ऐसा करता हूँ कि आज मैं इसी पेड़ पर रुक जाता हूँ और कल मैं चिड़िया को यह साबित कर दूंगा कि मैं ही उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। और इसी बात को सोचकर चिड़िया उसी पेड़ पर रुक जाता है और वो अपने घर नहीं जाता। रात में ठंड और भी बढ़ जाती है, बर्फीली हवाएं चलने लगती है, चिड़े को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, लेकिन चिड़िया अपने प्यार को साबित करने के लिए कहीं नहीं जाता। वो वहीं बैठे रहता है और चिड़िया के बारे में सोचता है कि कल मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं ही उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। कल सुबह जब वो आएगी और वो पहले मुझे यहाँ देखेगी तो वो भी मान जाएगी कि मैं ही उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। चिड़िया इसी बात को सोच रहा था। धीरे धीरे रात बढ़ती गई और ज्यादा तेज हवाएं चलने लगी, लेकिन चिड़िया उसी पेड़ पर बैठा रहा। रात में बहुत ज्यादा ठंड सहन न कर पाने की वजह से चिड़िया पेड़ से नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इधर चिड़िया भी रात भर सोती नहीं है, वह भी रात भर जगी रहती है और सोचती रहती है कि कब सुबह हो जाए और मैं पहले पेड़ पर पहुंच जाऊँ, जिससे चिड़े को मैं ये साबित करके दिखा दूँ कि मैं ही उसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। रात भर यह बात सोचकर चिड़िया सो नहीं पाती है। जैसे ही सुबह होने को आती है, चिड़िया दौड़ी दौड़ी उस पेड़ पर पहुंच जाती है। हर तरफ देखती है, चिड़िया का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। चिड़िया वहीं बैठ जाती है और मन में बहुत ही खुश होने लगती है और सोचती है कि आज तो मैं चिड़े को बता दूंगी कि मैं ही सबसे ज्यादा उसे प्यार करती हूँ। इंतजार करते करते एक घंटा बीत जाता है। सूरज की किरणें निकल आती है। धीरे धीरे हर तरफ धूप छाने लगती है। चिड़िया इंतजार करती रहती है, लेकिन चिड़े का कोई अता पता नहीं रहता। वह सोच में पड़ जाती है, आखिर चिड़िया कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। और बाद में वो इधर उधर नजर दौड़ाने लगती है तो उसे पेड़ के नीचे एक झाड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है और उस झाड़ी के पास उसे कुछ दिखाई देता है। वह नीचे जाती है और झाड़ी को हटाकर देखती है तो उसने देखा कि चिड़िया वहां मरा हुआ पड़ा था। यह देखकर चिड़िया बहुत रोने लगती है और उसे एक आवाज सुनाई देती है, मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तू तो अपने घर चली गई, लेकिन मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए रात भर इस पेड़ पर रहा। नतीजा यह हुआ कि मेरी मौत हो गई। मैं ही तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और आज भी इतना ही प्यार करता हूँ, और मैंने अपने प्यार को साबित करने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। चिड़िया जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और उसके पास सिर्फ पछतावा के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। चिड़िया को बहुत अफसोस हो रहा था और वो मन में सोच रही थी, अगर मैंने शर्त न लगाई होती तो आज चिड़िया मेरे साथ होता। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन इस कहानी से हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख मिलती है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही बहुत सारे रिश्ते होते हैं। कहीं ना कहीं किसी पर हमें भी बहुत ज्यादा भरोसा होता है, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से हम रिश्ते तोड़ देते हैं। कभी कभार तो ऐसी जीत कर बैठते हैं जिससे किसी की जान भी जा सकती है। तो कभी भी किसी पर शक करने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जब भरोसा करते हैं तो सिर्फ यकीन ही टूटता है, लेकिन जब हम शक करते हैं तो रिश्ता ही टूट जाता है। किसी पर शक करके बर्बाद होने से अच्छा है किसी पर यकीन करके बर्बाद हो जाओ।